हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म हेलो सर पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश के पर्यटन से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो आइए हम सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला फैक्ट है हमारा हरदा जिले का प्रसिद्ध तेली की सराय। प्रसिद्ध तेली की सराय ये कहां पर है? हरदा जिले में कहां स्थित है? तो ये तेली की सराय हमें मिलती है हरदा के हंडिया में। कहां? हंडिया में, ये हमको याद रखना है। दूसरी, सराय किस काल की है? तो मुगल कालीन है, ठीक है, ये हमको याद रखनी है कि मध्यकालीन हमको मिलेगी। चलिए अगले फैक्ट की हम बात करें, तो अगला फैक्ट है हमारा विदिशा स्थित उदयगिरी की गुफा। उदयगिरी की गुफा, जो गुफाएं हैं उसमें कितनी गुफाएं, कितनी संख्या है, संख्याओं में है, तो कितनी गुफाएं हैं विदिशा की उदयगिरी की गुफाएं जो हैं? तो उसमें हमको गुफाएं मिलती हैं 20, ठीक है। किस काल से संबंधित मानी जाती हैं? तो ये गुप्त काल से संबंधित मानी जाती हैं, ठीक। इसमें से जो गुफा नंबर 1 और गुफा नंबर जो 20 है वो जैन धर्म से संबंधित मानी जाती हैं। किससे? जैन धर्म से। इसके अलावा और कौन सा धर्म हमको मिलता है गुफा में? तो आपको वैष्णव धर्म मिल जाएगा, ठीक है। ये साक्ष्य कहाँ मिलेंगे? तो गुफा नंबर 5 हमको मिलती है, उसमें बराह अवतार की मूर्ति मिलती है। बराह अवतार, ठीक है, तो ये हमको भगवान विष्णु का बराह अवतार इसमें मिल जाता है। नेक्स्ट फैक्ट की हम बात करें तो है किस जिले में, किस जिले में 32वीं बावड़ी, कौन सी बावड़ी? 32वीं बावड़ी मिलती है। तो कहां पर है ये स्थित 32वीं बावड़ी? तो ये हमको मिलेगी चंदेरी में। कहां पर? चंदेरी। कौन सा जिला? तो अशोकनगर। तो ये हमको याद रखना है कि 32वीं बावड़ी अशोकनगर में है, ठीक है। और क्या विशेषता है इसकी? तो ये जो बावड़ी है ये चौकोर आकार की है। कैसे आकार? चौकोर, ठीक। किसने इसको बनवाया? तो हमको एक व्यक्ति का नाम मिलता है शेर खान। शेर खान, ये 1485 ईस्वी के समय इन्होंने इसको बनवाया था। चलिए हम अगले फैक्ट की ओर चलें। चंबल घाटी में जो दुर्ग पाया जाता है, चंबल घाटी में कौन सा दुर्ग? अटेर का दुर्ग। तो ये किसने बनवाया? किसने बनवाया? क्योंकि जब हम देखते हैं तो हमसे निर्माण, किसी भी दुर्ग का निर्माण किसने कराया, कोई स्मारक है उसका निर्माण किसने कराया, तो इसके क्वेश्चन हमसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जो अटेर का दुर्ग है
उसको बनवाया था एक भदौरिया राजा, ठीक है, भदौरिया राजा बदन सिंह, ये नाम हमको याद रखना है कि बदन सिंह ने इसको बनवाया था 1664। ठीक, क्लियर हुआ। अटेर के दुर्ग को हद हम देखें तो आपको एक नाम और मिलता है, देवगिरी दुर्ग इसको कहा जाता है, देवगिरी दुर्ग। तो अटेर का किला कहाँ पर है? चंबल घाटी में। तो चंबल घाटी में भी यदि आपसे जिला पूछा जाए तो हमको याद रखना है कि भिंड में है, ठीक है, अटेर का किला भिंड में। नेक्स्ट हमारा फैक्ट है, अमरकंटक पर्यटन स्थल का प्रसिद्धि का कारण क्या है? अमरकंटक की प्रसिद्धि का कारण, तो किस लिए अमरकंटक प्रसिद्ध है? तो हम देखते हैं कि अमरकंटक मुख्यतः यदि हम, एक तो पहाड़ी एरिया है वो हो गया, दूसरा नर्मदा सोन जोहिला ये नदी का उद्गम है यहाँ से। तो जब भी हम बात करते हैं अमरकंटक की तो हमको ये तीन नदियों के नाम मिल जाते हैं। कहाँ पर है अमरकंटक? तो ये याद रखना है कि अनूपपुर जिला, ठीक, और पहाड़ यदि आपसे पूछता है तो सतपुड़ा मैकल पहाड़ी हमको मिल जाएंगी। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट फैक्ट की हम बात करें तो नेक्स्ट फैक्ट है हमारा कि ये पर्यटन स्थल है आपका पचमढ़ी, कहाँ स्थित है? तो कहाँ है पचमढ़ी? तो पचमढ़ी आपको मिल जाएगा होशंगाबाद। कहाँ पर? होशंगाबाद में ये है। जब हम देखते हैं तो एकमात्र हिल स्टेशन हमको मिलता है, ठीक है, तो जब भी वादियों की सैर करनी हो तो हम कहाँ जाते हैं? पचमढ़ी। इसी के साथ और इसके कुछ उपनाम, जैसे पचमढ़ी को हम बोलते हैं कि सतपुड़ा की रानी, ठीक है, सतपुड़ा की रानी कैसे? पचमढ़ी को। मध्य प्रदेश का कश्मीर, मध्य प्रदेश का कश्मीर, ठीक है। इसी के साथ आपको एक फैक्ट और मिलता है कि यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई हमको 1350 मीटर मिल जाती है, और ये मध्य प्रदेश की भी सर्वोच्च चोटी है, ये भी हमको याद रखना है, जो कहाँ मिलती है हमको? पचमढ़ी में। चलिए नेक्स्ट फैक्ट है हमारा बेसनगर से संबंधित है। कहाँ से? बेसनगर का जो गरुड़ स्तंभ है, कौन सा स्तंभ? गरुड़ स्तंभ जो है बेसनगर का, वो किस धर्म से संबंधित है? देखिए, गरुड़ का नाम जब आता है तो हम सबसे पहले, हमको कौन? विष्णु जी का ध्यान आता है। तो कौन सा धर्म संबंधित हुआ गरुड़ स्तंभ से? तो आपका जो भागवत धर्म, भागवत धर्म, ठीक है। बेशनगर
इसको क्या कहा जाता है? तो ये विदिशा, ठीक है, कहीं विदिशा आपको लिखा मिल जाएगा। गरुड़ ध्वज के बारे में यदि हम देखें तो उनके नाम और मिलते हैं, जैसे कि एक हेलियोडोरस पिलर, इसको हम बोलते हैं हेलियोडोरस स्तंभ, हेलियोडोरस स्तंभ। एक नाम और मिलता है जैसे स्थानीय नाम खाम बाबा, तो वो भी इसी को बोला जाता है। ठीक है, गरुण स्तंभ या गरुण ध्वज के नाम से भी आपको ये मिल जाएगा, तो ये भी हमको याद रखना है। और हम बात करें इसके बारे में, तो ये किस वंश या किस काल से संबंधित है? तो काल हमको याद रखना है सुंग काल। सुंग काल में सुंग एक राजा रहता है, भागभद्र, भागभद्र। तो इसके दरबार में एक यूनानी आता है, कौन? हेलियो डोरस राजदूत। यहाँ आके उसने भागवत धर्म को ग्रहण किया और बाद में गरुण ध्वज की स्थापना कराई। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है भागभद्र का, ठीक, सुंग काल से संबंधित। अगला फैक्ट हमारा है कि ताजुल मस्जिद, ताजुल मस्जिद, गौहर महल और वन विहार, ये कहाँ पर हैं? तो ताजुल मस्जिद, गौहर महल और वन विहार, तो ये सभी के सभी हमको मिलते हैं भोपाल में, जो हमारी राजधानी है भोपाल, उसमें हमको मिलेंगे। ठीक है, एक एक की यदि हम बात करें कि ताजुल मस्जिद, तो ये हमको मिलती है एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद, एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। गौहर महल, तो इसको किसने बनवाया वो हमको पता हो, तो इसको बनवाया है कुदसिया बेगम ने, जो भोपाल की प्रथम बेगम थी। कौन? कुदसिया बेगम। ठीक है, 1820 में इसको बनाया था। और बाकी दूसरे हम बात नेक्स्ट बात करते हैं वन विहार। तो वन विहार क्या है? तो नेशनल पार्क है हमारा, ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई? 1983 में। ठीक है, तो नेशनल पार्क। चलिए अगले फैक्ट की बात करें, खरबूजा महल कहाँ है? कौन सा महल? खरबूजा महल। तो कहाँ पर स्थित है खरबूजा महल वो हम देखें, तो ये हमको मिलता है धार के किले में। कहाँ? धार के किले में खरबूजा महल आपको मिल जाएगा। इसी के साथ आपको एक फैक्ट और मिलता है, मध्य प्रदेश में खरबूजा महल दो पाए जाएंगे, एक आपको मिलेगा धार में, दूसरा मिलता है बुरहानपुर में। ये याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल, कि एक धार में है दूसरा बुरहानपुर में है। जो बुरहानपुर में है उसको बिल्किस बानो का मकबरा कहा जाता है, बिल्किस बानो का मकबरा, ठीक, उसको क्या कहा जाता है? खरबूजा महल या बिल्किस बानो का मकबरा। अगला महल है असरफी महल, तो ये कहाँ है? तो असरफी महल कहाँ पर है? तो ये भी मांडू में है। किसमें? मांडू में आपको मिल जाएगा। मांडू की बात करो, देखो मांडू में और भी महल आपके कई फेमस हैं। दूसरा मांडू का नाम, जैसे कि इसको हम सादियाबाद
रखा था किसी ने, किसने रखा, ठीक है, तो वो बाज बहादुर का नाम हमको मिल जाता है, होशंग साहब ये नाम हमको मिलते हैं, यहाँ के जो प्रमुख शासक हुए। इसी के साथ इसको सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है मांडू को। और प्रमुख महलों की बात करें जैसे कि जहाज महल, हिंडोला महल, ठीक, ये प्रमुख हमको महल मिल जाते हैं मांडू में। इसके अलावा और क्या मिलता है हमें, जब हम देखते हैं कि यहाँ जो कहानी फेमस रही रानी रूपमती और बाज बहादुर, ठीक है, तो इनके महल भी मिल जाते हैं। एक नीलकंठ महल और मिलता है यहाँ पर, नीलकंठ महल, क्लियर। तो ये किसके मांडू से संबंधित हमारे प्रमुख फैक्ट। चलिए अगले फैक्ट की हम बात करें तो वो है कि मध्य प्रदेश में जो कुश्क महल है, कौन सा महल, कुश्क महल, ये कहाँ है, कुश्क महल मध्य प्रदेश में किस जिले में है, जो पर्यटन स्थल है हमारा देखते हैं, तो ये हमको मिलेगा चंदेरी, चंदेरी हम बात कर चुके हैं कहाँ पे है, अशोकनगर में। और इसका जो निर्माण कराया है वो कराया महमूद खिलजी, महमूद खिलजी, ठीक है, मालवा में जो खिलजी वंश रहा उसका शासक है महमूद खिलजी, याद रखें। ये मध्य प्रदेश में जो स्वतंत्र मालवा सल्तनत हमको मिलती है उसमें, ठीक है, 1445 में ये बनवाया था। नेक्स्ट है, हमको एक खोजकर्ता का नाम मिलता है जेम्स फोरसथ, जेम्स फोरसथ, इसने किस पर्यटन स्थल की खोज की या किस स्मारक या किस पर्यटन स्थल की खोज की है, ठीक है, तो इनके बारे में देखें तो इन्होंने क्या खोजा, तो ये जो पचमढ़ी है, क्या, पचमढ़ी, इसको खोजा था, ठीक, पर्यटन स्थल के रूप में, कब, तो 1858, ठीक है, ये हमको याद रखना है। दूसरा, हम जब देखते हैं तो एकमात्र हिल स्टेशन की बात हम कर ही चुके हैं पचमढ़ी के बारे में, और पचमढ़ी के पास हमको जैसे कि चौरागढ़ मिल जाता है, चौरागढ़, ये हमको याद रखना है। बड़ा देव करके एक स्थल हमको मिलेगा, पांडव की गुफाएं यहाँ पे फेमस हैं, तो ये मुख्य मुख्य जानकारी किसके, पचमढ़ी के बारे में। चलिए नया देखें, नया फैक्ट हमारा जो है नेक्स्ट, कि प्रथम बार हिंदुओं ने किस स्थान से भारत के भूगोल को जाना, किस स्थान से भारत के भूगोल को जाना, तो कौन सा स्थान है वो, तो वो हमको मिलेगा मंगलनाथ मंदिर, मंगलनाथ मंदिर जो कहाँ पर स्थित है, उज्जैन में, ठीक है।
और जैनों मंदिरों की नगरी किसको बोलते हैं हम? तो उज्जैन को कहते हैं। वहीं पर जो मंगलनाथ मंदिर है, यहाँ से भारतीयों को क्या भूगोल की जानकारी, क्योंकि जब हम पढ़ देखते हैं तो भारत का केंद्र बिंदु या अखंड भारत का केंद्र बिंदु, तो उसमें मंगलनाथ का हम नाम रखते हैं। नेक्स्ट जो फैक्ट है हमारा, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? ठीक है, जब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में और पूरे भारत में और पूरे भारत के बाहर अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया, तो उसमें जो भारत में सबसे बड़ा स्तूप कहाँ हमको मिलता है, तो वो मध्य प्रदेश में हमको मिलता है सांची का स्तूप। ठीक है, सांची का स्तूप जो है सबसे बड़ा स्तूप है, जिसका व्यास आप देखोगे तो 36.5 मीटर व्यास है इसका। ठीक है, साइज यदि कभी हमसे पूछा गया निर्माण किसने कराया है, तो वो हम बात कर ही चुके हैं कि अशोक ने कराया है इसका निर्माण। कहाँ पर है? तो सांची में, जैसे पिछली एग्जाम में हमने देखा कि काकड़ाम पहाड़ी का नाम आया था, किसकी? काकड़ाम पहाड़ी, तो इसी पहाड़ी पे ही स्थित है, जिसको काकड़ाम, काकड़ाए, काकड़ा नाबोद, इस तरह के नाम हमको मिलते हैं। खोज किसने की इसकी? तो वो जनरल टेलर, ने इसको खोजा, ठीक, 1818 में इसको खोजा था। इसी के साथ इसमें क्या मिलता है? तो ये एक प्रकार के उनके जो शिष्य रहे सारिपुत्र और महामोदगलायन, इनके अवशेष मिल जाते हैं। कहाँ पर? सांची में। ठीक है, और जो सांची का स्तूप है उसको हम देखते ही हैं कि विश्व विरासत सूची में शामिल है यूनेस्को की। ठीक है, जिसको कब शामिल किया गया था? तो इसको हमने शामिल किया था 1989 में। क्लियर, तो ये मुख्य फैक्ट सांची के स्तूप के बारे में हमको याद रखें। चलिए नए फैक्ट की तरफ चलें कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुफा समूह कहाँ है? तो कहाँ मिलता है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुफा समूह हमको? तो ये हमको मिलेगा भीम बेटका। कहाँ है भीम बेटका? तो रायसेन में आपको मिल जाएगा, अब्दुल्लागंज, वहाँ पर भीम बेटका की गुफाएं हैं। भीम बेटका की गुफाएं में क्या मिलता है हमको? तो पाषाणकालीन शैलचित्र हमको मिलेंगे, लगभग 500-600 गुफाएं वहां पर शैलचित्र पाए जाते हैं। ठीक, इसकी खोज आपसे पूछी जाती है कि कब? 1958 में विष्णु वाकड़कर, ने इसकी खोज की थी। इसी के साथ में ये भी विश्व विरासत सूची में शामिल है, तो 2003 में शामिल हुआ है। ठीक है, तो अभी तक हम देखें कि हमको तीन मिलते हैं, एक खजुराहो के मंदिर, दूसरा हमने अभी बात की थी सांची का स्तूप,
और तीसरा है हमारा ये भीम बेटिका। तो ये तीन हमारे विश्व विरासत सूची में शामिल हैं, जिसमें से खजुराहो को 1986, सांची 1989 और भीमबेटिका 2003। ठीक है, तो सबसे पहले कौन शामिल हुआ, सबसे बाद में कौन शामिल हुआ, ये भी हम क्लियर रखें। नेक्स्ट है, शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ हैं? शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ हैं? तो शंकराचार्य की गुफाएं हमको मिल जाती हैं ओंकारेश्वर, ठीक है, ओंकारेश्वर जो कहाँ पर है, तो खंडवा, ठीक है, ओंकारेश्वर खंडवा में। कौन सी नदी के किनारे मिलेंगी? तो हमको याद रहे कि नर्मदा नदी, नदी किनारे पूछा जाता है कि कौन सी नदी किनारे आपको शंकराचार्य की गुफाएं मिलेंगी, तो नर्मदा नदी। नेक्स्ट, की प्रदेश की किन गुफाओं को बौद्ध चित्र के प्राण कहा जाता है? बौद्ध चित्र का प्राण, ये किस गुफा को कहा जाता है? तो बौद्ध चित्र हमको किस गुफा में मिलते हैं मध्य प्रदेश में? तो हमको मध्य प्रदेश में वो मिलते हैं बाघ की गुफाएं, ठीक। तो ये याद रखना है कि बाघ की गुफाओं के जो चित्र हैं उसको बौद्ध धर्म के चित्र का प्राण कहा जाता है। कहाँ है बाकी गुफा? तो धार में हमको मिलेगी। इसका जो उपनाम है बाकी गुफाओं को, कभी कभार रंग महल भी आपको मिल जाएगा, तो ये चीज़ हमको याद रखनी, रंग महल, ठीक है, बाकी गुफाओं से संबंधित नाम। बाकी गुफाओं की खोजा किसने? तो खोज की है डेजर फील्ड, डेजर फील्ड। चलिए, क्लियर हुआ कि बाकी गुफाओं से संबंधित ये हमारे फैक्ट, और पर्यटन से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट हमारा है नेक्स्ट, मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ है? कहाँ है मोहम्मद गौस का मकबरा? ये हमको मिलेगा ग्वालियर, ठीक, कहाँ पर? ग्वालियर में है। दूसरा, किस ने बनाया? तो ये अकबर ने बनवाया था इसको, तो ये याद रखना है कि अकबर के ही समकालीन थे मोहम्मद गौस। मोहम्मद गौस थे कौन? तो सूफी संत थे, ठीक, सूफी संत, ये याद रखना है। ग्वालियर में इनका मकबरा है, वो हमको याद रखना है, और अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट मकबरा हमसे पूछा है कि होशंग शाह का मकबरा कहाँ पर है? होशंग शाह का मकबरा, कहाँ पर है? तो कहाँ पर मिलेगा हमको? तो ये मांडू, इसी के साथ में जब हम होशंग शाह के मकबरे को देखते हैं तो इसमें कई सारी हमको कलाकृतियाँ मिलती हैं, जिसमें से, और महत्व किस लिए दिया जाता है कि ये जो संगमरमर है उससे निर्मित पहली इमारत है ये, पहली इमारत है संगमरमर से निर्मित, ठीक है।
तो अफगान शैली में ये बना हुआ है। कौन सी शैली में? अफगान शैली में। और इसके बारे में और क्या कहा जाता है? तो जो ताजमहल है, ताजमहल बनाने की जो प्रेरणा, जैसे कि जो ताजमहल की गुंबद हमको मिल जाती है, तो उसकी प्रेरणा भी कहाँ से? हुसैन शाह के मकबरे से ही शाहजहाँ ने ली है। चल अगले फैक्ट की बात करें तो ये है विजय राघवगढ़ किला। विजय राघवगढ़ किला ये कहाँ पर है? कहाँ पर स्थित है? तो विजय राघवगढ़ किला हमको मिल जाएगा कटनी में। कहाँ? कटनी में, जिसका निर्माण कराया था राजा प्रयागदास ने। राजा प्रयागदास, ठीक, ये हमको याद रखना है। विजय राघवगढ़ हमको याद रखना है, किला कहाँ पे है? कटनी में है, वो याद रखना है। पर्यटन के साथ साथ आज की राजनीति को जोड़ के देखो तो वहाँ से कोई प्रमुख राजनीतिक हमको मिलते हैं। कौन? तो वहाँ से हमको मिलेंगे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, ठीक है? तो इसको भी आप साथ में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में शाही किला कहाँ है? कौन सा शाही किला कहाँ है? तो कहाँ पर है मध्य प्रदेश में शाही किला? तो ये मिलेगा बुरहानपुर में, ठीक है? बुरहानपुर में ये आपको मिल जाएगा, जिसको राजसी महल भी कहते हैं। कौन सा महल? राजसी महल। इसमें नदी पूछ ली जाती है तो ताप्ती नदी के किनारे है, ठीक है? और हम बुरहानपुर में देखते हैं तो हमको सबसे फेमस किला फिर मिल जाता है, जिस असीरगढ़ का किला, हम उसकी बात करते हैं। असीरगढ़ के किले को क्या बोला जाता है? तो दक्षिण का द्वार, ठीक है? कौन सा? असीरगढ़। तो ये भी कहाँ है? ये भी बुरहानपुर ज़िले में ही है। नेक्स्ट है धार के किले का निर्माण किसने कराया? किले का निर्माण किसने कराया, ठीक है? तो ये कराया है मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है? प्राचीन मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हमको जो शासक मिलता है मोहम्मद बिन तुगलक, इसने 14वीं सदी में धार के किले का निर्माण कराया था। वैसे भी मोहम्मद बिन तुगलक को हम भूलते नहीं हैं जब हम इतिहास पढ़ते हैं, ठीक है? चलिए, तो इसने ही धार के किले का निर्माण कराया था। नेक्स्ट महल जो है वो है जय विलास महल। जय विलास महल, तो ये कहाँ पर है? कहाँ है? तो जिसको देखते हैं ये हमको मिलता है ग्वालियर, ठीक है? जय विलास पैलेस का भी कभी नाम लिखा जाता है। जय विलास महल आपको मिल जाएगा, जिसका निर्माण कराया था जीवाजी राव सिंधिया, ठीक? जीवाजी राव सिंधिया ने इसका निर्माण कराया था। और इसके जो वास्तुकार थे वो थे माइकल फिलोज, ठीक? चलिए, क्लियर हुआ?
चलिए नेक्स्ट हम बात करें कि नेक्स्ट हमारा फैक्ट जो मुख्य है वो है दमोह की पहाड़ी पे कौन सा किला है। दमोह पहाड़ी पर स्थित किला कौन सा है? तो कौन सा किला मिलता है हमको दमोह की पहाड़ी पर? तो वो हमको मिलेगा सिंगौरगढ़ का किला। सिंगौरगढ़ का किला, ठीक। किस वंश से संबंधित है? तो हम देखते हैं कि गोंड वंश से संबंधित ये किले हमको मिल जाते हैं, सिंगौरगढ़, चौरागढ़, ठीक है, इस प्रकार के किले जो हमको मिलते हैं तो वो गोंड वंश से संबंधित मिल जाते हैं। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलें तो माड़ा की गुफाएं ये कहाँ पर हैं? तो कहाँ हमको मिलती हैं? तो ये मिल जाती हैं सिंगरौली ज़िले में। सिंगरौली में ये हमको मिल जाएंगी। इसी के साथ हम उनको और देखें कि इसमें और क्या क्या हमको मिल जाता है। तो इसमें आपको जो फेमस हैं जैसे कि गणेश माड़ा, शंकर माड़ा, ठीक है, ये मुख्य मंदिर सॉरी गुफाएं हमको मिल जाएंगी। चलिए नेक्स्ट जो है उस पर हम चर्चा करते हैं। कि जो राजवाड़ा, खजराना मंदिर और कांच मंदिर, ये तीनों स्थल कहाँ हमको मिल जाते हैं, किस जिले में हैं? राजवाड़ा, खजराना मंदिर और कांच मंदिर, ये किस ज़िले में हैं? तो ये तीनों स्थल हमको मिलते हैं इंदौर में, ठीक है, याद रखना है। कहाँ? इंदौर में। कि जो खजराना का गणेश मंदिर ये है, इसी के साथ गणेश मंदिर के साथ आपको खजराना मस्जिद भी मिलती है, तो वो भी इंदौर में ही है, वो हमको याद रखनी। चलिए नेक्स्ट फैक्ट की हम यही चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है पिसनहारी की मड़िया। पिसनहारी की मड़िया ये कहाँ है, यह किस धर्म से संबंधित है? तो कहाँ है ये हम देखें, तो कहाँ पर है? तो ये है जबलपुर में, ठीक है, और जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित है ये पिसनहारी की मड़िया। क्लियर हुआ आपको? तो इसी तरह से आगे और भी हम टॉपिक पे चर्चा करेंगे, और पर्यटन से संबंधित, कला संस्कृति से संबंधित और भी इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े रहें और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें। धन्यवाद।